हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डन ऑफ कविता में। दोस्तों, आज मैं अगेन आपके लिए एक क्यूट फ्रेंड्स लेके आई हूँ अपने डीआईवाई में। बहुत ही क्यूट से हैं ये, आप देख सकते हैं। एक लड़की है, एक लड़का है, तभी मैंने इस क्राफ्ट का नाम क्यूट फ्रेंड्स रखा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही लो बजट का क्राफ्ट है, डीआईवाई है। आप इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप वाइज आप में इस वीडियो में आपको समझाया है। सो देखिए दोस्तों, ये आप इसके लिए आपको फूड कंटेनर जो होते हैं, मैंने उनका यूज करा हुआ है, और जो हमारे टी के कप्स होते हैं, जो टी वाले कप्स होते हैं, मैंने उनका यूज करा है। तो देखिए दोस्तों, कितने क्यूट से हैं। आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने लिए हैं ये दो फूड कंटेनर। आपके पास एक इसमें ट्रांसपेरेंट वाला है, जो ये मैं जिसमें मैंने अपना इसका फेस बनाया है, और जो ये नीचे वाला है, ये थोड़ा सा हैवी में है, तो आप किसी भी तरीके के यूज कर सकते हैं। तो एक से मैं इसका फेस बनाऊंगी और नीचे वाले से मैं इसका इसकी ड्रेस बनाऊंगी। तो दोस्तों, पहले मैंने इसमें स्केच कलर से थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया ताकि बहुत अच्छे से बन जाए। उसके बाद मैं इसमें ब्लैक जो एक्रिलिक कलर होते हैं, ब्रश की हेल्प से मैंने इसमें आउटलाइन कर लिए, थोड़ा सा अच्छे से उभर के आते हैं दोस्तों, इसलिए ब्लैक कलर की आउटलाइन करना जरूरी है। ऐसे मैं इसकी ड्रेस में भी थोड़ा सा आउटलाइन दे दूंगी। अब जहां जहां इसका ब्लैक वाला पार्ट है, इसकी आईज वगैरह में ब्लैक वगैरह फिल करके, ये मैंने एक्रिलिक कलर यूज करे हैं दोस्तों। और जो बेस कलर है, वो मैंने पेंट वगैरह यूज करा है, जो इनेमल पेंट होते हैं, बर्जर वगैरह या और किसी कंपनी के। तो बेस कलर मैंने इनेमल पेंट करे हैं, और जो मैं ड्रॉ वाला जो पोर्शन है, वो सब मैं एक्रिलिक कलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जो पेंट वगैरह होता है, वो अगर आप करेंगे तो वो नीचे बहने लग जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, मैं इसकी ड्रेस बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी स्टेप, और मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देने की कोशिश कर लिया येलो। अब जो ड्रेस है, वो मैं पेंट से बना रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, आप एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे को मैच करना था, थोड़ा कलर वगैरह का फर्क आ जाता है, तो मैंने इसीलिए इसमें पेंट ही यूज करा है। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन जो आईज में होता है, वो सब चीजें, इससे बहुत सुंदर लुक आता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जैसे जैसे मैंने बनाया है, आप इस तरीके से फॉलो कीजिए, तो बहुत सुंदर क्राफ्ट बनेगा आपका। ये देखिए कितनी प्यारी सी स्माइल है। आप इसे इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके से रखिए, बहुत सुंदर लगता है। और छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं आप इसमें। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो टी के कप्स हैं, उनमें भी पेंट कर लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लग जाता है, और इसमें मैंने थोड़ा सा बटन की हेल्प से इसे डेकोरेट कर लिया है। तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज आपके घर में जिस तरीके की चीज हो। मेरे पास बटन थे, तो मैंने बटन से इसकी ग्लेस वगैरह पे बटन लगा दिए, तो इससे और भी सुंदर लुक आ गया। देखिए दोस्तों, ये दोनों चीजें तैयार है, ऊपर का फेस और नीचे का ड्रेस। अब मैं जो इसके हैंड्स वगैरह बनाने हैं और जो इसके लेग्स बनाने हैं, उसके लिए मैंने ये टी कप लिए हैं, और उनमें थोड़ा सा डिजाइन वगैरह दिया है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले से बना लिया है, क्योंकि ड्राई होने में इनको टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, मैंने इस टाइप से जो टी कप आता है, मैंने इसका छोटा वाला जो साइज होता है, वो यूज करा है। ये बड़ा वाला साइज है, तो इस तरीके से मैंने यूज करा है। और मैंने ये जो डोरी होती है व्हाइट कलर की, थोड़ी मोटी डोरी जो होती है, वो मैंने यूज करी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नोट वगैरह लगाऊंगी। ये स्टेप आप बहुत अच्छे से देखिए। जो डोरी है दोस्तों, उसको मैं बाहर से अंदर की तरफ लेके आऊंगी, ताकि जो नोट है वो दिखे ना, और अच्छे से कवर हो जाए, और सुंदर भी लगे क्राफ्ट। तो मैंने इसमें होल भी कर लिए हैं जो टी के कप्स हैं, ताकि ये डोरी को मैं अंदर से सेट कर सकूं। ये देखिए, आप धीरे धीरे करके करेंगे तो आराम से आ जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा होल नहीं करना है। ये देखिए, पेचकस की हेल्प से आप सिंपली कर सकते हैं, और
ये देखिए इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ। अब अंदर मैंने नोट लगा लिए ताकि ये यहीं पे रुक जाए। तो इस ये क्या होगा, इसका इसका ले, ये इसके हैंड्स है। ऐसे ही मैं सेकंड वाला जो है उसमें भी ऐसे ही नोट लगा दूंगी। ये मैंने अंदर से ले लिया और उसमें नोट लगा दी। ये दोनों इसके दोस्तों हैंड्स हैं। इसी तरीके से सेम मैं लेग्स भी बनाऊंगी दोस्तों। आप थ्रेड देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, बस जितना इसका जो ये पोर्शन है वो नीचे तक आए, बस इतने ही थ्रेड लेनी है। अगर आपको छोटी बड़ी जैसा भी हो रहा है तो अंदर से आप नोट वगैरह लगा सकते हैं। ये इसका हैंड्स बन गया है। अब मैं इसे इसमें लेग्स भी बनाऊंगी इसके। अब देखिए दोस्तों, ये हैंड्स उसके प्रॉपर तरीके से बन गया। लेग्स के लिए आप देखिए ये स्टेप बहुत अच्छे से देखिए। थ्रेड को ऊपर से लेके इन दोनों थ्रेड के बाहर से कवर करके, और फिर जो होल है, मैंने नीचे वाले कंटेनर में भी एक होल कर लिया है, उसमें आपको इन दोनों थ्रेडों को डालना है ताकि ये जो हैंड्स हैं ये यहीं स्टे कर ले और ये इधर उधर हिले ना। और दोस्तों एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं, अगर आप जो ऊपर वाला कंटेनर है उसमें दो होल करके इस थ्रेड को उन दो होलों के अंदर से भी लेके आ सकते हैं ताकि वो जो कंटेनर है वो भी इनके साथ अटैच हो जाए। और एक ऑप्शन और है, आप इसे क्विक फिक्स की हेल्प से या जो ग्लू गन आती है उसकी हेल्प से भी बाद में भी इस कंटेनर को जोड़ सकते हैं। वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस है, वो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब हम उस थ्रेड को मैंने लिया ही अंदर, अब ये देखिए नीचे जो थ्रेड है बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने इसके लेग्स को, जो हैंड्स वगैरह है उसको, उसकी डोरी से ऐसे खींच के लेके आना है। देखिए दोस्तों, आप ये मेरे पास दो डोरियां आ गई है। मैं थोड़ा सा एक नोट और लगा लूंगी ताकि ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए और हिले ना। ऐसा आप कर लीजिए। अब ये नोट मैंने लगा दिया है तो ये अच्छे से सिक्योर हो गए हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छे से बनेगा। और ये ऊपर जो मैंने आपको बताया जो इसका फेस है, ये आप क्विक फिक्स की हेल्प से या ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप वो जो थ्रेड जो हम जो लेग्स के लिए लेके आए हैं, आप ऊपर वाले कंटेनर में दो होल करके भी उस थ्रेड को वहां से ला सकते हैं ताकि ये जो तीनों चीजें हैं ये अटैच हो जाए, इसके लेग्स, इसके हैंड्स और इसका फेस। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अलग करा है सेपरेट। थोड़ा सा थ्रेड डालने में प्रॉब्लम होगी बट डल जाएगी बहुत इजी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस थ्रेड को लेके इसमें भी एक नोट लगा ले ताकि ये भी सिक्योर हो जाए और जो कप है वो नीचे एकदम से नहीं गिरे। तो इस तरीके से करना है, आपने बाहर से अंदर की तरफ इस चीज का ध्यान रखें। ये अब मैंने जो दूसरी डोरी है ये भी मैंने, आप दोस्तों पतली वाली थ्रेड भी ले सकते हैं बट उसको डबल कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छे से मजबूत हो जाएगा। मैंने इसमें मोटी वाली डोरी यूज करी है। तो मैंने आपको बताया था थ्रेड की हेल्प से इसको ले सकते हैं। ये देखिए फाइनल लुक, मेल बताया था और ये मैंने इसकी फीमेल भी बनाई है, इसकी फ्रेंड है ये। तो ये दोनों मेरे इस टाइप से ही मैंने इसी तरीके से दोनों को बनाया है। और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।